Hi, today is 6th of June 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. First is about India China talks. Resolve differences peacefully. अभी इस बात पे बात चल रहा है. आज टॉप मिलिट्री लेवल का भी टॉक है. Then second is about states to decide on reopening of schools. स्कूल्स को रीओपन करने की बात कहा है और स्टेट ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन मांगा है. Then third is about massive spike in foreign flows into market. मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी स्पाइक हुआ है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है. इसके कुछ तीन रीज़न है. हम FPI को भी समझेंगे and we'll try to find the difference between FDI and FPI. Now this is shine a light. This is about HCQ, hydroxychloroquine. इस पे वर्ड डिवाइडेड है, इस पे भी we'll have a look. Then fifth is about winning formula. Winning formula में हम समझेंगे sports activity भी है and there is a threat of this COVID-19. तो इसमें middle path क्या हो सकता है. Sixth is about beyond the लीगल काउंसल्स प्रेडिकामेंट. इसमें हम इन तीन बॉडीज़ को समझेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया. और ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन रखना क्यों ज़रूरी है, इनकी ऑटोनॉमी एंड ऑल. देन सेवेंथ इज़ अबाउट अ राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स. जो फार्मा है, R&D है, मेडिसिन है, ड्रग्स जो नई फाइंड हो रही हैं, इसमें एक बहुत ज़्यादा सेल्स एंड देन मार्केटिंग, देन प्राइसिंग, रीच, ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. इन सब के सॉल्यूशन के लिए एक हेल्थ इम्पैक्ट फंड और कुछ यहाँ पे सजेशंस दिए हैं. एट्थ इज़ अबाउट रैपिड कम्युनिटी स्प्रेड पॉसिबल, कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ दिस COVID-19, स्टेट इज़ वरीड. देन LSE इज़ अबाउट टफ नेगोशिएशन अहेड. यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स व्यू पॉइंट्स देखेंगे कि आगे कैसे नेगोशिएट करना चाहिए और इंडिया को यहाँ पे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए इन चाइना के इस टैक्टिक से. टेंथ इज़ अबाउट अहेड ऑफ वोट फॉर UNSC सीट. UNSC परमानेंट सीट्स होती हैं और कुछ होती हैं जो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे नॉन परमानेंट सीट होती है. तो इंडिया का अभी नॉन परमानेंट सीट में यहाँ पे इंडिया का नाम आ रहा है. इसमें इंडिया ने अपनी ये इंटेंशंस, अपना जो ब्रोशर है वो यहाँ पे उसने रिलीज़ किया है. विल हैव अ लुक, NORMS. Then 11th is about draft rule prohibit use of delivery. This is about civil aviation ने यहाँ पे बताया है, this unmanned aerial vehicle है, इसके certain guidelines follow करने की ज़रूरत है. Then 12th is about 28% of Sundarbans damage in Cyclone Amphan. ये Sundarbans हैं, Cyclone Amphan आया तो यहाँ पे काफ़ी damage हुआ है. We'll know about this mangrove and all. World News में USA, Brazil, vaccination, this Gavi, GAVI, and then we'll talk about business. Business में SBI का profit increase हुआ है. Reason क्या है? Bad loans कम है और सब्सिडरी का उसने सेल किया, उससे उसको काफ़ी पैसा मिल गया. फिर हम बात करेंगे RBI ने ये बनाया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 500 करोड़ रुपए का. आइडिया क्या है कि जो पॉइंट ऑफ सेल है और ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल, इसको इम्प्रूव करना. दिस इज़ अबाउट LIDAR डेटा. दिस इज़ LIDAR, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ये एक्सट्रीमली यूजफुल और प्रॉमिसिंग लग रहा है इन मॉडर्न टाइम. LIDAR डेटा का आर्कियोलॉजिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस, वर्क फ्रॉम होम भी और ये साइट्स एंड ऑल एक्टिविटी रिमोट लोकेशन से ऑब्जर्व करने के लिए. मिसलेनियस में वी हैव पिक्ड सेवरल न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ये हम एक बार क्विकली देखेंगे. दीज आर वन लाइनर्स एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स. So today we are going to talk about all these topics in say next 35 to 40 minutes. और ये आज के एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब सब में राजी हो गए हैं, एग्रीमेंट हो गया है, हार्मनी है, दैट इज़ कॉल्ड कंसेंसस फॉर्म हो गया है. फ्लाउटिंग, फ्लाउटिंग क्या होता है? नॉर्म्स होता है, डिफाई किया है, वी आर गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स. देन ब्रॉल, ब्रॉल मतलब लड़ाई हो जाना, फिस्ट फाइटिंग हो रही है, स्कफल हो रहा है. बैकलैश, बैकलैश का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन है. गवर्नमेंट कई बार एक पॉलिसी लाती है और उस पर बैकलैश हो जाता है. हाइंडसाइट का मतलब है पीछे मुड़ के देखते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आ जाती है जब एक बार वो कंप्लीट हो गई है. तो अंडरस्टैंडिंग वंस इट्स ओवर, दैट इज़ कॉल्ड हाइंडसाइट. ऐसा कहते हैं हाइंडसाइट हमेशा 20/20 होती है. देन इम्ब्रोलियो, इम्ब्रोलियो का मतलब है कॉम्प्लिकेशंस है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफ़िकल्टी है, सब आपस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई है. देन स्क्रूटिनी का मतलब है कि इंस्पेक्शन है या फिर वहाँ पे आपने उसको प्रॉपर्ली सर्वे किया है, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट वर्क. रिजीम का मतलब होता है सरकार, अथॉरिटी, किंग का रिजीम है, गवर्नमेंट का रिजीम है. this authority. Then indignantly का मतलब shame है, humiliation है. Aspersion का मतलब होता है vilification होना, defamation करना, किसी को नीचा दिखाना, बुरा दिखाना. Insinuation का मतलब है hint, unpleasant type of hint, that is called insinuation. Then carte blanche का meaning होता है complete freedom है to act as one wish. Usually जैसे constitutional body होती है, इनको काफ़ी freedom, autonomy provide की जाती है. Then volt fast का मतलब है abrupt reversal होना, बात आज ये कर रहे थे, कल दूसरी बात हो गई, that is called volt fast. Then transgression का मतलब है offense है, crime है, that is called transgression. So let us begin today's discussion. आज का जो पहला न्यूज़ टैम्पलेट है दैट इज़ अबाउट इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स अग्री टू रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली. इंडिया चाइना टॉक्स रिजॉल्व डिफरेंसेस पीसफुली. सी, ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टैंड और हम इसी स्टैंड को फॉलो करेंगे. रिमेंबर दिस थिंग, बोथ साइड्स अग्रीड टू हैंडल डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल डिस्कशन बियरिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स सेंसिटिविटीज़, कंसर्न्स एंड एस्पायरेशन. ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि हम इस लाइन पे आगे बढ़ेंगे एंड नॉट अलाउ देम टू बिकम डिस्प्यूट्स. मीनवाइल ऐसे ही फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना ने भी स्टेटमेंट दिया है कि बोथ अग्री टू इम्प्लीमेंट कंसेंसस, दोनों कंट्री कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू ईच अदर ऐसा नहीं है. वी डू नॉट लेट डिफरेंसेज राइज फ्रॉम इन टू डिस्प्यूट. सो दिस इज़ फ्रॉम चाइना एंड दिस इज़ फ्रॉम इंडिया. सी, फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल का भी डिस्कशन है, रिव्यू किया बायलैटरल टाइज, करंट डेवलपमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे फ्लैर अप हो रहा था चीज़ें. LAC डीमार्केटेड नहीं है और चाइना भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, इसके इंटेंशन समझ में नहीं आ रहे, सो यहाँ पे काफ़ी फ्लैर अप हो गया था. कंसेंसस दैट डिफरेंसेस शुड बी हैंडल्ड पीसफुली एंड शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, बायलैटरल चीज़ें होती है, ये बायलैटरल ही सॉल्व करना है इन द हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेसी एंगेजमेंट में. टॉप मिलिट्री लेवल टॉक्स आज हैं अमिड दिस स्टैंड ऑफ. दिस इज ऑन गोइंग न्यूज़, विल हैव अ फॉलो अप. देन दिस इज़ बोट राइड, माइग्रेंट वर्कर्स घर जा रहे हैं बट उनको अपने होम स्टेट में भी ना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना प्रॉपर वेजेस मिल रही है, सो नाउ दे आर थिंकिंग टू रिटर्न बैक एंड गो टू वर्क. नाउ दिस इज स्टेट to decide on reopening of school. This is extremely important news. इस पर एक opinion रखना बहुत ज़रूरी है. State to decide on reopening of school. COVID-19 के कारण threat है, children, students, life at risk, तो that is why schools close किए गए. But अब इन्हें reopen करने का भी time है. COVID-19 का number of cases बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. India ने overtake कर लिया है Italy को, so which is a worrying cause. Meanwhile, HRD ministry ने ये ready किया है guidelines, but HRD ministry are वो डिसीजंस सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन मांग रहे हैं. स्टेट गवर्नमेंट को फ्रीडम मिला है कि वो अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, ग्राउंड रियलिटी जैसी है उसके अकॉर्डिंग. व्हेन टू रीओपन स्कूल, कंसल्टेशंस आर गोइंग ऑन नाउ. स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन टेस्ट प्रिपरेशन एवरीथिंग, इसमें अभी बहुत पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है पूरे एजुकेशन सिस्टम एंड मॉडल में. हम इसको कॉन्टीन्यूसली फॉर पास्ट वन मंथ डिफरेंट पॉइंट्स देख रहे हैं. हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्वे रेफरेंडम देखा था, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एंड देन टीचर्स के डिफरेंट ओपिनियंस, वेरियस पॉसिबिलिटी मॉडल्स एंड ऑल. सो try to write a short note, develop an understanding and try to write a short note on this COVID-19, a paradigm shift in education system में. इसमें डिजिटल डिवाइड, अपॉर्चुनिटी, लर्निंग कर्व. अपॉर्चुनिटी भी है, हम नई तरीके से बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं. लर्निंग कर्व है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी. मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, हेल्थ, हेल्थ इज़ पैरामाउंट, सेफ्टी, पैडागॉजी कैसे बनाए. देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो ट्राई टू राइट योर व्यू, original, unique, your view that matters. Okay, your view. Now this is third one. यहाँ पे बात है massive spike in foreign flows into market. ये जो FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी मार्केट में. इक्विटी मार्केट मतलब शेयर्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें. तो इसमें अभी मैसिव स्पाइक आया है. इसके तीन रीज़न है. रिलायंस ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने राइट्स इशू किए, कोटक महिंद्रा स्टेक सेल किया है और अपटेक है बिकॉज शेयर मार्केट इक्विटी मार्केट वर्क करता है सेंटिमेंट्स एंड स्पेक्यूलेशंस में. तो अपटेक, ऑप्टिमिज्म आ रहा है, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है कोविड-19 के बैकड्रॉप में. सो दैट इज़ वाई FPI इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो गया. ये हॉट मनी होता है, जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडियन सिक्योरिटीज़ होता है. ये क्या क्या हो सकती हैं? शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हो सकती है. द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हु मेक इन्वेस्टमेंट इन दीज सिक्योरिटी उनको बोलते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. ये लोग क्या क्या हो सकते हैं, एफआईआई हो सकते हैं, डिसक्वालीफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, उनके देन सब अकाउंट्स भी हो सकते हैं, बट एनआरआई को हम एफपीआई में काउंट नहीं करते हैं। इस पूरी सिक्योरिटी मार्केट एंड ऑल का एक रेगुलेटर है, उसका नाम है सेबी। तो सेबी ने एक क्राइटेरिया बना दिया था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट से आ रहा है 10% से ज़्यादा हो रहा है, 10% के अंदर है, तो उसको हम तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मांगेंगे, 10% ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी। अगर विद इन दिस 10% है तो दैट वुड बी कॉल्ड दिस एफपीआई अलाउड, बट अगर 10% से ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट विल बी काउंटेड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPI होता है और FDI होता है। FDI होता है तो इसमें अगेन वी हैव रेड इट इन डिटेल। FDI में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, फिजिकल एसेट्स ज़्यादा बनते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है, और ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, ईजिली ये विड्रॉ भी नहीं होती है। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। हमको दोनों पसंद है बट प्रेफर यूजुअली हम एफडीआई को करते हैं। तो ट्राई टू राइट अ डिफरेंस इन से 50 words डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। ओके, नाउ दिस इज़ द थर्ड वन, ये है देन पेज नंबर 2, दिस इज़ पेज नंबर 3C। यहाँ पे टाइम फॉर नेचर, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे C पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, ये ब्रिंजल्स हैं एंड ऑल, ये दिल्ली यमुना वेरी पॉल्यूटेड। देन दिस इज़ पेज 4, पेज 5, देन दिस इज़ पेज 6, दिस इज़ एडिटोरियल सेक्शन शाइन अ लाइट। यहाँ बात है दिस ऑनगोइंग HCQ डिबेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। बिफोर दैट 27 मई को हमने बहुत अच्छे से समझा था, सौम्या स्वामीनाथन मैम का स्टेटमेंट भी था कि क्यों हमें ज़रूरी है इस HCQ का जो डिबेट है, इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, मास स्केल में करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसकी एफिकेसी है या नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मीनवाइल लैंसेट जो एक है पब्लिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट और नाम है इसका साइंटिफिक इन ऑल में, इसकी जो रिपोर्ट है उस पर बैकलैश हुआ है, वर्ल्ड ने काफ़ी क्वेश्चन उठाया है। HCQ पे भी अगेन वर्ड इज़ वेरी डिवाइडेड, एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड कि इसकी यूटिलिटी है या नहीं है एंड ऑल। साइंटिफिक प्रोसेस को यहाँ पे प्रोटेक्टेड होना चाहिए, दो सीकिंग पावर एंड रिचेस। यहाँ पे ये बात किया है कि जो साइंस है, R&D है, इसको ना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उसको लेट देम वर्क ऑन देयर ओन पेस। वेल नोन एंटी मलेरियल ड्रग है HCQ, बेनिफिशियल कोविड-19 ट्रीटमेंट पे है, हिट एंड मिस है, सम से यस सम से नो। लैंसेट ने, एक इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल ने अपनी रिपोर्ट्स दिया, साइंटिस्ट ने बैकलैश हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मेथोडोलॉजी करेक्ट नहीं है और बहुत रश्ड है, जल्दबाजी में किया हुआ काम है। और इसका भी अगेन डिफेंस में हम कह सकते हैं बिकॉज वर्ड इज़ पैनिक ड्रिवन, तो हो सकता है यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर भी हो गए। नाउ सी, हर प्रोसेस का ना अपना एक टाइम होता है, जल्दबाजी में काम नहीं होता है। यू आर राइटिंग योर आंसर्स ना, हैव पेशेंस, राइट इट एवरी डे एंड यू विल सी योर इम्प्रूवमेंट से इन 1 month, गिव सम टाइम। ओके, यहाँ रिपोर्ट्स में भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने बहुत जल्दबाजी किया एंड देयर आर एरर्स, सो इट टेक्स टाइम। एवरेज पीयर टू पीयर रिव्यू होता है वीक्स में, दिस इज़ अगेन वन थिंग, एक दूसरे का रिव्यू, पीयर टू पीयर रिव्यू होता है, एक दूसरे से सीखना, जल्दी लर्निंग होती है। यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस मंथ्स लग जाते हैं ऐसे मेडिकेशंस एंड ऑल में। अब एक्सपेक्टेशन ये है साइंस से कि आज कोविड-19 हुआ है, आप तुरंत हमें नेक्स्ट मंथ रिजल्ट डिलीवर करो, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। रिजल्ट्स ऐसे मैजिक की तरह नहीं आते हैं, सालों लग जाते हैं। क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस, ट्रेडिशनल टाइम कंज्यूमिंग पीयर रिव्यू प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। देन कल्चर पेपर अपलोड होता है, देन प्रिंट्स आते हैं, रिव्यू, सो एक पूरा सिस्टमेटिक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कल हमने इधर भी देखा था कि जो हम थिएटर कमांड्स बना रहे हैं डिफेंस एंड ऑल में, चीज़ का जो हमने आर्टिकल पढ़ा था, वेरी गुड आर्टिकल, उसमें भी ये लिखा था डू नॉट रश नहीं करना चाहिए। नाउ की लेसन यहाँ पे है इस लैंसेट की रिपोर्ट से कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है ये दे नीड टू बी डिवोर्स्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स। वेरी गुड लाइन, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेट देम वर्क ऑन देयर ओन पेस, पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स। द मीन एंड मेथड्स टू बी अ साइंटिफिक रिजल्ट मैटर मोर देन रिजल्ट। ओके, मेथड्स एंड ऑल भी वर्क करती है, प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। राहुल द्रविड़ कीप ऑन सेइंग ट्रस्ट द प्रोसेस, मेथड पे ट्रस्ट करना चाहिए। Only achieved through global scrutiny. Openness more than blame game is what the post-COVID world needs now. इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, साइंस को हमें ये ध्यान रखना है, पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स, इससे दूर रखना चाहिए। सो अगेन अ गुड आर्टिकल, शाइन अ लाइट। यहाँ पे नेक्स्ट बात है, दिस इज़ अबाउट विनिंग फार्मूला। विनिंग फार्मूला इज़ अबाउट स्पोर्ट्स. बेस्ट वे टू रिवाइव स्पोर्ट्स एक्टिविटी है कि हम कॉशियस, स्लो और लो की स्टार्ट करें, जल्दी नहीं करें. अगेन रश नहीं करना चाहिए, स्कूल ओपन में भी रश नहीं होना चाहिए, दिस मेडिसिन में भी रश नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, देन ऑल्सो टाइम लगेगा फिर बहुत ज़्यादा रिकवरी में. सो देयर इज़ नो नीड टू रश. स्लो, लो की स्टार्ट एंड दिस कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए. नो स्पोर्ट्स से रेवेन्यू लॉस है. स्पोर्ट्स पर्सन फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, उनका रिजिम बड़ा डिसिप्लिन एंड ऑल, प्रैक्टिस एंड ऑल अफेक्ट हो रही है. कोविड-19 का थ्रेट भी रियल है. तो फार्मूला F1 रेस में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन्होंने रिज्यूम करने का स्टार्ट किया है. प्रिपरेशन रहनी चाहिए कि अगर वर्स्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, प्लान बी, कोविड-19 अगर स्ट्राइक हुआ तो. मीनवाइल स्पोर्ट्स में ऑडियंस को अलाउ नहीं किया है, स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं है, बट हम इनको एम्प्टी स्टैंड्स में, एम्प्टी ऑडियंस में, विदाउट ऑडियंस ये इवेंट्स कंडक्ट करा सकते हैं. एटलीस्ट टीवी रेवेन्यूज़ यहाँ से जनरेट हो जाएंगे. सो दीज आर सर्टेन सजेशंस. यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वर्किंग एंड ऑल पे है. हमारा फोकस है कि हम इस इंस्टीट्यूशंस को समझें. यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया है जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है. ये वकील होता है, हम सबको एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सरकार का एडवोकेट है. चीफ लीगल एडवाइज़र है, प्राइमरी लॉयर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. द नेम इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ लीगल एडवाइज़र एंड प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट. ही कैन सेड टू बी द एडवोकेट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. टर्म लेंथ क्या होता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे उनके प्लेजर के अकॉर्डिंग होगा. फर्स्ट होल्डर दिस MC दिस स्टेलवाद है. आर्टिकल 76 में इनका मेंशन है, किनका, दिस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, न्यू दिल्ली. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज होता है दैट इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सबऑर्डिनेट होता है इन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का. ओके ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होता है. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, ही हिमसेल्फ असिस्ट करते बाय दिस. इनकी हेल्प के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं. करंटली मिस्टर तुषार मेहता इज दिस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. नाम बताइए अभी, अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का, अटॉर्नी जनरल, ये सॉलिसिटर जनरल है, ये लेवल सेंटर पे काम कर रहे हैं. ये प्राइमरी चीफ लीगल एडवाइज़र है और ये सॉलिसिटर है, इनके नीचे फिर एडिशनल सॉलिसिटर होते हैं. देन ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है. ओके देन इसके बाद है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. एडवोकेट जनरल, जैसे ये सेंटर था, ये स्टेट के लेवल पे होगा. इसके लिए आर्टिकल 76 था अटॉर्नी जनरल के लिए, तो एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल दिस से 165 है और इनका वर्क 165 177 में भी मेंशन है. तो जैसे ये सेंटर को काम कर रहे हैं, वैसे एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे काम करेंगे. देन यहाँ बात लिखा है, सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडवोकेट जनरल. तीन यहाँ आर्टिकल का थीम ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी हैं, ये बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी है. जैसे कि अथॉरिटीज़ हैं, CVC है, लोकपाल, CIC है, NHRC है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनको वीकन नहीं करना चाहिए. बिकॉज अ कपल ऑफ डेज बैक हमने ये आर्टिकल देखा था, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स. तो लीडर अच्छा होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रेंथन होना चाहिए, ये दोनों हैंड इन हैंड चलता है. नाउ अ राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स. यहाँ पे बात है, ये जो जिस तरीके से फार्मेसी एंड दिस कंपनीज एंड ऑल वर्क, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ओरिएंटेड ज़्यादा हो गई हैं. वी नीड टू फाइंड अ डिफरेंट मॉडल ताकि इनका प्रॉफिट्स एंड ऑल वर्किंग भी हैम्पर नहीं हो. एट द सेम टाइम वहाँ पे हम डिसीजेज एंड ऑल, जैसे कोविड-19 एंड ऑल है, इसके लिए हम वेलफेयर भी चीज़ हो और हम अप्रोच भी कर पाएँ. वर्केबल आइडिया यहाँ पे दिया है, एक हेल्थ इम्पैक्ट फंड बना देते हैं. ये ऑल्टरनेटिव ट्रैक होगा फार्माक्यूटिकल इनोवेटर्स के लिए, बिकॉज इनोवेशन यहाँ पे लैग हो रहा है. स्पेशली जो न्यू प्लेयर्स आते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो इनोवेशन, फेयर प्ले, ये डिफीट होता है. डेवलपिंग एंड मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट हेल्पफुल होगा. एक दूसरी चीज़ क्या होती है, कंपनीज़ खुद ही प्रोडक्ट डेवलप करती हैं और फिर उसको मार्केट भी करती है, दोनों हैंड इन हैंड चल रहा है. सेल्स भी उनका यहाँ पे फोकस है, तो इससे R&D और सेल्स दोनों एक साथ है, तो दोनों इम्पैक्ट होती है. 20 ईयर का जैसे प्रोडक्ट पेटेंट मिलता है WTO, टेम्पररी मोनोपोली हो जाती है, कोई नई मेडिसिन इफेक्टिव आई है, ये उसकी मार्कअप प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका पर्पज़ रहता है. मेडिसिन जो होती है अमंग ह्यूमैनिटीज़ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है. ग्लोबल मार्केट ऑफ फार्माक्यूटिकल करंटली कितना है, 110 लाख करोड़ का है, ह्यूज. 1.7% ऑफ वर्ल्ड दिस प्रोडक्ट है ये. 55% ऑफ दिस फार्माक्यूटिकल स्पेंडिंग जो है, ये ब्रांड नेम और प्रोडक्ट्स इन पे पेटेंटेड रहते हैं यहाँ पे. तो इस पे है कि इनका जो मॉडल है वो थोड़ा चेंज किया जा सकता है। अब ये इतना पैसा क्यों लेते हैं? बिकॉज इनका खर्चा भी बहुत होता है। इनका जो एक्सपेंडिचर होता है, से R&D कॉस्ट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ता है मेडिसिन को, सेफ्टी, एफिकेसी, सो मैनी थिंग्स। तो अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है तो फिर वो रिकवरी के लिए उसकी मार्कअप प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं और पेटेंट आ जाता है से 20 ईयर्स के लिए। इस मॉडल को अगर हमको चेंज करना है तो हम ले सकते हैं हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड बना दें, जिससे वो फंड इनको कुछ से 10-12 मेडिसिन है इनकी, वो इसमें लिस्टेड रहेंगी। इनका जो भी लॉस हो रहा है एक्स्ट्रा मार्कअप हटाने से, वो इस फंड के थ्रू कंपनसेट हो जाएगा। और फिर उनका जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, उनका मोटिव होगा कि बेटर टू बेटर मेडिसिन आनी चाहिए। 3 यहाँ पे आइडियाज़ हैं। पहला, First, innovator motivated by the prospect of large markup tend to neglect diseases suffered mainly by poor people। तो ये वही मेडिसिन बनाते हैं जो अमीर लोग पे कर सकें, गरीब लोगों की जो बीमारियां होती है उस पे इनका फोकस नहीं आता है बिकॉज उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। Second, ये इश्यूज़ हैं जो करंट मॉडल है उसमें, ये 3 बड़े इश्यूज़ हैं। सेकंड, थैंक्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ एफ्लुएंट ऑफ वेल इंश्योर्ड पेशेंट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इनका रहता है। मेडिसिनल ट्रेंड बन गया है कि मेडिसिन अच्छी बने या ना बने, प्रॉफिट किस में ज़्यादा होगा ये केवल वही काम करेंगे, जबकि वेलफेयर अप्रोच होती है वो बैकसीट ले लेती है। देन थर्ड है, रिवॉर्ड है फॉर डेवलपिंग एंड देन प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर पुअरली कोरिलेटेड विद देयर थेरेप्यूटिक वैल्यू। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। अब हमें क्या ज़रूरत है कि जो R&D है और जो सेल्स, मार्केटिंग, प्रॉफिटिंग है, इन तीनों को हम सेपरेट कर दें। हेल्थ इम्पैक्ट फंड इनका काम करेगा, दिस मार्केटिंग, पैसे इन सबसे रिलेटेड, और इनका काम रहेगा कि आप बेटर टू बेटर प्रोडक्ट बनाओ, दैट्स इट। फार्मा इनोवेटर्स रिवॉर्ड मिलेंगे इन्हें, मेडिसिन यहाँ पे रजिस्टर करा देंगे, रिवॉर्ड मिलेगा, हेल्थ आउटकम। 10-12 मेडिसिन हर साल इस फंड में रहेगी, जो जैसा मेडिसिन परफॉर्म कर रही है, इफेक्टिव ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिलेगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। तो सेल्स इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ अ क्राइटेरिया। ये पूरा एम्फेसाइज इस आर्टिकल का है कि सेल इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी द क्राइटेरिया। लॉन्ग टर्म फंडिंग से गवर्नमेंट दे सकती है। एक और चीज़ होती है एवरग्रीनिंग। पेटेंट में ये लोग क्या करते हैं, स्मॉलर चेंजेस लाते हैं और फिर से रीपेटेंट एंड ऑल कर देते हैं और इससे पेटेंट एक्सटेंड हो जाता है। दिस प्रैक्टिस नीड्स टू बी स्टॉप बिकॉज द होल प्रॉब्लम इज़ प्रॉफिट मेकिंग, सेल्स पे इनका फोकस है। फार्मा कंपलसरी लाइसेंसिंग, रिस्क नॉट ड्रिवन बाय सेल्स है, ड्रिवन बाय R&D, वर्क होना चाहिए, रिवॉर्ड्स हैं, प्रॉफिट्स होना चाहिए, बेटर मेडिसिन, बेटर रिवॉर्ड्स, और उनको कंपनसेट हो जाएगा। सो स्ट्रेस इज ऑन क्वालिटी, R&D, गुड मेडिसिन, नॉट ऑन सेल्स एंड प्रॉफिट मेकिंग। ये सेल्स, प्रॉफिट मेकिंग, ये सब वुड बी टेकन केयर बाय दिस हेल्थ इम्पैक्ट फंड। तो इससे एक पैराडाइम शिफ्ट राइट टाइम हो सकता है फार्मा गेयर्स में भी। ये वाइजाग ट्रांसग्रेशन एंड टॉक्सिक फ्यूम्स, ये दिस गैस स्टायरीन एंड ऑल, वी कवर्ड इट कपल ऑफ डेज बैक। देन दिस इज रैपिड कम्युनिटी स्प्रेड पॉसिबल, केरला चीफ मिनिस्टर ने वॉर्न किया है, अनलॉक 1.0, ओपन कर रहे हैं इकोनॉमी, बट कोविड-19 का भी पीक आ रहा है। सी इटली पीछे हो गया, रोज नंबर ऑफ केसेज आर राइज है। सो डू नॉट लेट द गार्ड्स डाउन, अभी इतना ज़्यादा मेहनत किया है पिछले 2-3 महीने से, ये सब फेल हो जाएगा। डू नॉट लेट द गार्ड्स डाउन, दिस कुड बी फैटल। देन दिस इज़ अबाउट LSC में टफ नेगोशिएशंस अहेड है। 4 जून में वी टॉक्ड अबाउट कि 2-प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी भी होना चाहिए और मिलिट्री माइट भी हमें डेवलप करना है। बायलैटरल इशू है, रिमेंबर बायलैटरल, US इंटरवेंशन नॉट रिक्वायर्ड। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इश्यूज नीड डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन टू। ये जो चाइना का पुश है, चाइना क्या चाहता है, अपनी हेजेमनी बताना चाहता है, सुपीरियोरिटी वहाँ पे दिखा रहा है। तो इंडिया को भी ज़रूरी है कि वो इसको पेशेंटली देखे, बिना डरे इसको फेस करे, और एट द सेम टाइम हमारा कैपेसिटी इंक्रीज़ हो और डिप्लोमेटिक चैनल भी यहाँ पे एक्टिव हो। China wants to display its hegemony. India should stand firm and resolute. This is the best thing. जब भी bully हो रहे हो ना, stand firm and stand resolute. Bullies are not good. Bully is not good. Bullying से कभी भी पीछे नहीं डरना है, stand firm and resolute. Then immediate जो resolution है इसका expected नहीं है, ये थोड़ा long term talks होंगी, but meeting could be the first of many. तो अगेन this is our aim. जो Ministry of External Affairs का stand है ना, we should follow that line. देन दिस इज़ UNSC सीट में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया को 8th टाइम मिलेगा नेशन नॉन परमानेंट सीट के लिए अभी यूएनएससी में इंडिया जाएगा। इससे पहले 11-12 में यूएनएससी में इंडिया था। यहाँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया विल हाईलाइट इंटरनेशनल टेररिज्म। नाउ ये जो स्टैंड है ना, वी नीड टू फॉलो दिस। हाईलाइट करेगा इंटरनेशनल टेररिज्म, यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स एंड सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, रिफॉर्म इज़ वेरी नेसेसरी। देन हम स्ट्रीमलाइन करेंगे वर्ल्ड बॉडी का पीस कीपिंग ऑपरेशन। पीस कीपिंग मिशन में यूएन के इंडिया का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हो गया, अपकमिंग टेन्योर एज नॉन परमानेंट, ये इंडिया ने अपना दिया है कि ये जो 2 साल का स्टेंट होगा उसमें इंडिया ये सब काम करेगा। कोविड-19 एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कारण चैलेंजेस है, इंडिया ने NORMS हाईलाइट किया है। इसका मतलब न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। वर्ड चेंज हो रहा है, ये हमने अगेन NCERTs में देखा था, वर्ड ऑर्डर एंड ऑल। इसमें ब्रंटलैंड कमीशन एंड ऑल हुआ था, फिर ब्रेटन वुड कमीशन आया था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, इससे फिर ये वर्ल्ड बैंक एंड ये सारी चीज़ें आई। ये बहुत सारे जो 1945 के इंस्टीट्यूशंस हैं ये अब अपना रेलेवेंस चेंज कर रहे हैं। वर्ड काफ़ी चेंज हो गया, 2020 में इनका रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो न्यू ओरिएंटेशन, रिमेंबर दिस वर्ड, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। 15 मेंबर का सीट है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 2 साल का स्टेंट होता है। नाम बताइए 5 परमानेंट मेंबर क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ऑल्सो अनरिफॉर्म्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे इन्होंने ये बात किया है कि अनरिफॉर्म्ड है और अंडर रिप्रेजेंटेटिव है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। ट्राई टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट से इन 50 to 100 वर्ड। नॉट ओनली UN से WTO का आप देखो या फिर WHO में भी आप देखो, ये जो जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं ना, इन पे अभी काफ़ी स्क्रूटिनी चल रही है। अनरिफॉर्म्ड है, रिफॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पे, और अंडर रिप्रेजेंटेटिव है। एशिया का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है, देन अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है। इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएनएससी में। सो अनरिफॉर्म्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है। ट्राई टू डिस्कस दिस इन से 50 to 100 वर्ड्स। नाउ दिस इज ड्राफ्ट रूल्स प्रोहिबिट यूज ऑफ डिलीवरी। फूड डिलीवरी जैसे है जोमेटो, स्विगी, ये सोचना है इस तरीके से ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इससे हम फूड डिलीवरी करवा दें। इससे पहले दिस अमेज़ॉन एंड ऑल ने भी इसको कोशिश किया था US एंड अदर्स प्लेसेस में। तो पेलोड कितना होगा और ड्रॉपिंग ऑफ आर्टिकल है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, बिकॉज ये जो ड्रोन्स हैं ये बहुत अनलिमिटेड टेस्ट केसेस हैं इनके। अभी 5G आ रहा है, 5G में लेटेंसी इज़ वेरी वेरी लो, तो अगेन अनलिमिटेड हमारे यूज़ केसेस ओपन हो जाएंगे। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2020 अभी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पॉलिसी दिया है। इसमें बात किया है इंपोर्ट रिलेटेड चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग, ओन कैसे, क्या कंडीशंस होनी चाहिए ड्रोन को ओन करने के लिए, देन ड्रोन का पोर्ट भी बनाने का बात है। हैव अ लुक, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2020 मैंडेटेड होता है। जैसे आपने ड्रोन लिया है कैटेगरी वाइज, तो उसको रजिस्टर कराना है DGSA से। विजुअल रेंज पे ही अलाउ है, ये नहीं कि आप बहुत दूर रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी सामने होना चाहिए। देन ट्रेमेंडस यूज़ केसेस एंड अपॉर्चुनिटी है, ऑनगोइंग एक्साइटिंग न्यूज़ है ये, इसको हम अगेन फॉलो करेंगे। हैव एन ओपिनियन, हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बहुत सारे इसके हैं, डिलीवरी एंड अदर, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं इसमें। विल हैव अ लुक अगेन। देन दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 10, ये पेज नंबर 11 है। सुंदरबंस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं साइक्लोन अम्फन में। सी, ये बांग्लादेश आ जाता है, ये इंडिया आ जाता है, और ये डेल्टा है दिस गंगा ब्रह्मपुत्रा, इनका डेल्टा यहाँ पे है सुंदरबंस। ये मैनग्रोव एरिया है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर पे है, बे ऑफ बंगाल। हुगली रिवर इंडिया से ये बालेश्वर रिवर बांग्लादेश तक फैला हुआ है, और यहाँ पे ये टाइगर भी बहुत फेमस है यहाँ के। UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है इसका, और दिस इज़ द एरिया। अब यहाँ पे आया साइक्लोन अम्फन, और ये बहुत ज़्यादा सी डैमेज हुआ है, इस तरीके से काफ़ी डैमेज हो गया यहाँ पे। तो अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी था, तो ड्राइव फॉर प्लांटिंग मैनग्रोव्स था। मैनग्रोव्स बहुत यूजफुल होते हैं ट्रीज़ टू मार्क द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इंडियन साइड में ज़्यादा डैमेज हुआ है इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। सॉल्ट वाटर का इनंडेशन है, समुद्र का पानी खारा होता है, ये अंदर आ गया, ज़मीन खारी हो गई, सैलिनिटी आ गई, तो ट्री येलो और रेड हो रहा है जो मैनग्रोव नहीं है। मैनग्रोव सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं, तो हम मैनग्रोव यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिकॉज कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा ये ऐसे सुनामी टाइप वेव्स आती हैं तो उसको वो स्टॉप भी कर देते हैं। दे रिड्यूस विंड स्पीड, दे ब्रेक द वेव ऑल्सो, सो वी मस्ट ऑल वर्क टुगेदर टू रीस्टोर द ग्रीनरी। ये चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे मैसेज भी दिया है। देन दिस इज शोकेस, टेक इट आउटडोर्स, मॉल्स कल्चर हम क्यों ना बाहर ले जाएं, ओपन प्लान बाजार बना दें, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी. दिस इज़ द हिडन कॉस्ट. एंड देन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़. वर्ल्ड न्यूज़ में है यूएसए इलेक्शन ईयर चल रहा है 2020-2024, तो टेंशन्स अभी राइज है. रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप है, डेमोक्रेट से जो बिडेन है. अभी काफ़ी सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं, रेशियलिज्म से लेके काफ़ी टेंशन्स एंड प्रोटेस्ट है यहाँ पे. देन चाइना फैक्टर इज़ देयर, देन कोविड-19 फैक्टर इज़ देयर, देन इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग वेल. तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे दिस फ्रिक्शन हो रहा है. देन ब्राज़ील, ये ब्राज़ील में जायर बोल्सोनारो, वी आर फॉलोइंग कोविड-19 सिंस वेरी इनिशियल डेज, जनवरी फरवरी. ये बोल्सोनारो, मिस्टर ट्रम्प, दे वर वेरी लैक्स थे, कोविड-19 से कुछ नहीं होगा एंड ऑल. नाउ सी द नंबर्स, यूएसए में कोविड-19 नंबर्स एंड दिस कैजुअलिटीज़. अभी ब्राज़ील थर्ड हाईएस्ट कोविड-19 नंबर हो गया है. इन्होंने शुरुआत में ना तो लॉकडाउन किया, ना प्रॉपर प्रिकॉशंस प्रिवेंशन मेजर्स लिए. नाउ सी द नंबर. लेटिन अमेरिका में बहुत बैटर्ड हो गया है एंड हैवी वहाँ पे ट्रबल है अभी कोविड-19 का. देन ये बात है वैक्सीन का, वैक्सीन प्रोग्राम. येस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस ग्लोबल अलायंस, दिस वैक्सीन. ये अभी यूके में इसका एक समिट हुआ है, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड अदर्स इसमें पार्ट कर रहे हैं. देन इंडिया वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन का. हमने वैक्सीन पुश के लिए अभी यहाँ $15 मिलियन का भी प्रॉमिस किया है. 50+ नेशंस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. रिमेंबर दिस थिंग, GAVI वैक्सीन अलायंस है ये ग्लोबल हेल्थ. सो स्केल अप करने की ज़रूरत है R&D को. देन दिस इज़ बिजनेस. बिजनेस में SBI को काफ़ी प्रॉफिट हो गया है, बट ये प्रॉफिट क्यों हुआ? बिकॉज बैड लोन्स कम हो गए, तो नुकसान कम हो गया, और उसने अभी सेल कर दिया है स्टेक्स अपनी एक सब्सिडरी का, तो यहाँ से भी इसे विंडफॉल गेन हो गए. तो दिस इज़ वाई प्रॉफिट हुआ है, अदरवाइज मार्केट इज़ नॉट डूइंग गुड. इंटरेस्ट इनकम अभी भी रिमेन फ्लैट है. होम लोन्स भी अभी रेज हो रहे हैं धीरे धीरे. देन दिस इज़ RBI ने ये एक बनाया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. पर्पज़ क्या होगा इसका कि Tier 3 और जो Tier 6 छोटे छोटे जगह है या फिर नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पे पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है. सो RBI ने यहाँ पे ये एक फ़ंड बनाया है और वो इसको पुश करेगी. पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 500 करोड़ का है. आधा पैसा सेंट्रल बैंक दे रहा है और बाकी जो कार्ड इशूइंग बैंक्स होते हैं, जो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, ये उसको वहन करेंगे. द आइडिया इज़ गुड, एनकरेज करना है हमें डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को. देन दिस इज़ आर्कियोलॉजिस्ट, ये वर्क कर रहे हैं LIDAR टेक्नोलॉजी से, वर्क फ्रॉम होम. ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है. एप्पल भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अपने गैजेट्स में दिस LIDAR टेक्नोलॉजी पे. LIDAR होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एनालॉगस टू रडार होता है. रडार में क्या होता है, ऐसे वेव जाती है, टकरा के फिर वापस आती है, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, टाइम और डिस्टेंस और एटसेट्रा ट्रैवल करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो LIDAR में हम दिस वेव, लाइट वेव यूज़ कर रहे हैं. डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 390 से 700 nm का. ये इल्यूमिनेट करेगा टारगेट को और एनालाइज करेगा जो वहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है. LIDAR वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशंस इसके मैपिंग और रेंजिंग में काफ़ी ज़्यादा है, सर्वेइंग और सिविल इंजीनियरिंग में, और टेरेस्ट्रियल और एरियल स्कैनिंग में भी ऐसे LIDAR काफ़ी यूज़ है. टेस्ला एंड ऑल, दे आर ऑल्सो वर्किंग दिस, जो उनकी ऑटोनोमस चीज़ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, कार्स एंड ऑल. गूगल, even Apple भी, they are heavily relying on this technology. Apple products and all, iPhone, this iPad, they are using this LIDAR. LIDAR का जो रिक्वायरमेंट है, वाइड डिटेक्शन रेंज, एक्यूरेसी, टेम्परेचर, मिनिएचराइज्ड, मल्टी सेंसर, लो कॉस्ट एंड लो पावर, ये सारी चीज़ें होना है. तो यहाँ पे ये जो है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये इस तरीके से LIDAR टेक्नोलॉजी से बेस्ड यहाँ से एरियल सर्वे होता है और उसको देख के ये अपना डिटेक्शन कर रहे हैं और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं दिस ऑल स्टडी के. नाउ दिस इज़ मिसलेनियस सेक्शन. ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट अभी कहाँ हुआ? यूके में हुआ. इंटरनेट बेसिक एसेंशियल्स हैं, केरला में अभी फ्री कर दिया गया है बिलो पॉवर्टी लाइन का दिस केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ताकि इंटरनेट मिले. इंटरनेट मिलेगा तो फिर स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है, पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी. देन ऑयल स्पिल है आर्कटिक रीजन रशिया में, ये रिवर का नेम है दिस अंबर नया. देन कैंपेन एक लॉन्च हुआ है, जिस कैंपेन का नाम है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे. वेरी इंपॉर्टेंट. ये अक्सर हमारे यहाँ हाईवेज़ में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, एनिमल्स का भी और ह्यूमंस का भी. तो दिस इज़ प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे. रोड सेफ्टी मेजर्स एंड अवेयरनेस, यहाँ पे पेट्रोलिंग की भी बात होगा. छत्तीसगढ़ में एक कैंपेन आया है स्पंदन. स्पंदन मतलब जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, फ्रंटलाइन स्टाफ होता है, इनको भी मेंटल स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन भी है इनका, ऐसा देखा गया है. तो ये जो कैंपेन है वो इन दोनों को रिमूव करने की कोशिश करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी की काफ़ी रिपोर्ट्स आती है, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कई बार। जनवरी 2021 का मीटिंग है, द ग्रेट रीसेट इस बार का थीम रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एडवाइजरी जारी किया है वेस्ट मैनेजमेंट पे 3 जगह का, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मटेरियल रिकवरी, इंपॉर्टेंट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मटेरियल रिकवरी, फिर लैंडफिल रिक्लेमेशन की ज़रूरत है बिकॉज आप दिल्ली में भी देखो जिस कचरे का पहाड़ बन गया है वहाँ पे। ऑन साइट एंड ऑफ साइट सीवेज ट्रीटमेंट की भी बात है यहाँ पे कि पहले ही उसको ट्रीटमेंट करो फिर उसको रिवर्स में जाना चाहिए। सो ये एडवाइजरी है वेस्ट मैनेजमेंट का। सो दीज आर सम मिसलेनियस पॉइंट्स। दिस इज लिडार, वी टॉक्ड अबाउट लिडार। ये आरबीआई के बारे में हमने देखा, ये नया बैंक बन रहा है, नया फंड बना रहे हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एसबीआई का प्रॉफिट, वैक्सीनेशन, ब्राज़ील एंड यूएसए, डू नॉट लेट द गार्ड डाउन। मैनग्रोव्स के बारे में जाना, ये सुंदरबन है यहाँ पे वर्ल्ड, ये हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की। ये होते हैं यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसकी गाइडलाइंस इश्यूज हैं, गवर्नमेंट ने सजेशंस भी मांगे हैं। अनरिफॉर्म्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ट्राई टू डिस्कस 1500 वर्ड्स, स्पेशली बिकॉज अब इंडिया बिकॉज यूएनएससी की मेंबर भी बन रहा है। देन दिस इज अबाउट LAC, टफ नेगोशिएशंस अहेड। दिस इज रैपिड कम्युनिटी स्प्रेड पॉसिबल है, डू नॉट लेट द गार्ड्स डाउन। देन दिस इज़ अबाउट दिस हेल्थ केयर और फार्मा गियर्स चेंज करने की ज़रूरत है। रिमेंबर दिस थिंग, AGI, SGI एंड दिस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल्स क्या हैं ये भी रिमेंबर। देन दिस इज़ विनिंग फार्मूला और ये है शाइन अ लाइट, HCQ मेडिसिन, और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें टेक देयर ओन फेज, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। ओके, तो बी पेशेंट एंड बी रेगुलर दिस पे। तो शाइन अ लाइट, डिफरेंस FDI एंड FPI में क्या हो सकता है, से इन 50 वर्ड्स। FPI में मैसिव स्पाइक आया है अभी। देन स्टेट्स टू डिसाइड ऑन रीओपनिंग ऑफ स्कूल, ये भी बहुत अच्छे से समझना है, पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम। देन इंडिया चाइना टॉक्स, दिस इज 6th of June 2020, दीज आर वोकेबुलरी 6th of June 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।